बिहार तो भाई क्रांति की भूमि है। बिहार में एक तूफान उठेगा बिहार से, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? तो चुनाव आयोग सरकार इसका सरकार का गुलाम है और जनता का वो नौकर है। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। आने दो, धैर्य रखो, 24 तारीख आने दो। उसका जो असर पड़ेगा वो आपकी कल्पना में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन सरकार और कौन कौन शामिल है, सारे के सारे लोगों का चेहरा बेपर्दा हो जाएगा, सच लोगों के सामने आएगा। चिंता मत करो, अभी डिटेल में बताएं। अब करें अपहरण हुआ तो अपहरण तो आपको केस करना चाहिए फिर पुलिस पर। बिल्कुल कर देंगे, हमें मालूम है क्या करना है कैसे करना है, ये निश्चित रूप से हम सारे साथी ये सारी चीजें जानते हैं और इनको कब क्या कैसे करना चाहिए हम वो सारी चीजें जानते हैं। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सही समय पर सही कार्रवाई हम लोग करेंगे। पर कहा जाता है वकील, दूसरा सवाल सर, सवाल ले लीजिए, आप तमाम स्टेट में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के, लेकिन आप बिहार में नहीं जा रहे हैं। कौन कहा बिहार में नहीं जा रहे हैं? बिहार में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, उसका भी शेड्यूल बनेगा। ऑलरेडी हमारा शेड्यूल बिहार का 31 तारीख का था, लेकिन क्योंकि दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है, कोई कर रहे हैं, इसलिए हमने अभी उसको थोड़ा सा आगे पीछे करने का हमने साथियों ने बैठ के विचार बनाया। हो सकता है हम उसको जो है 1 तारीख को कर ले, या जैसे भी होगा। बिहार तो भाई क्रांति की भूमि है, जेपी आंदोलन वहीं से चला, वो जो वहां का मैदान है, गांधी मैदान है, वहीं से तो जबरदस्त होगा। आप देखिए बिहार में एक तूफान उठेगा बिहार से, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मुझे मालूम है किस तरह से लोगों के वहां से लगातार फोन आ रहे हैं, तो बिहार भी हमारी उसमें है और बाकी जगह भी हमारी लिस्ट में है। सर ईवीएम पे भरोसा आपको क्यों नहीं, सरकार तो बता रही है। हमने बार बार बता दिया, इसे बार बार बताने की क्या, सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? तुम्हें भरोसा है, तुम बता सकते हो कि ईवीएम कैसे काम करती है, ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है, उसमें पारदर्शिता नजर आती है क्या? कहीं नहीं आती ना, बताओ आप, पारदर्शिता नजर आती है? बोलो ना, सरकार की बात यार तुम कह रहे हो ना, तुम्हें पारदर्शिता उसमें नजर आती है क्या? चुनाव आयोग क्या लगता है आपको? हमें कुछ भी नहीं लगता, चुनाव आयोग सरकार इसका सरकार का गुलाम है और जनता का वो नौकर है। संविधान के तहत उसे जनता की बात माननी पड़ेगी, जनता सर्वोच्च है, जनता मालिक है। किसका? तो निश्चित रूप से जनता के सेवक है, वो तो कह भी रहे प्रधान सेवक, और वो तो कह भी रहे हैं कि चौकीदार। तो भाई चौकीदार और प्रधान सेवक जब अब तक जो धोखा देते रहे हैं, ये अपने प्रधान सेवक को, चौकीदार को, इस बार देश की जनता धोखा नहीं देने देगी। सर एक सवाल, आप 24 जो आप ऐलान कर रहे थे कि 24 तारीख को आप एक बड़ा खुलासा करेंगे, तो देरी क्या है अगर आपके पास इतनी सबूत? अभी 24 तारीख आ गई क्या? नहीं नहीं, देखिए हर चीज का नहीं, आप अभी क्यों चाहते हो? अरे जल्दी, अभी क्यों नहीं जल्दी, आपको जल्दी क्यों है, तो जल्दी समाधान नहीं, हम समझते हैं जल्दी समाधान होगा। तो आप अभी लंबा आप खींचना चाहते हैं? क्यों लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? हम सही समय पर सारी चीजें करेंगे, आपको दिक्कत क्या हो रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक है ना? क्या हुआ, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अभी तो उसकी नोटिफिकेशन अगर सही समय पर जारी होगा तो मार्च में होगा, 20 मार्च में। बिल्कुल हम चाहते हैं ईवीएम बंद हो, कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम कर रहे हैं आप जल्दी। समर्थक है जो मिस कॉल भी कर रहे हैं, जो आपकी इस मुहिम में साथ दे रहे, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जल्दी अगर ऐसा कुछ है तो सब कुछ सामने आ जाए। आपके पास फोन आया किसी का कि भैया 24 के बजाय अभी करो? हम ये दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे आपको कि उन्होंने ये कहा है कि भैया खुलासा अभी कर दो। आपको धैर्य नहीं है क्या, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं आप? 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, कहां के 2 महीने? 24 तारीख में कई महीने का वक्त है, 24 तारीख में कई महीने का वक्त है, 24 तारीख से पहले भी बहुत काम है। भैया हमें पूरी जनता सपोर्ट कर रही है और विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगी। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं, हमें विश्वास है कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगे। तो क्या बहिष्कार किया जाएगा 24 का इलेक्शन? क्या हो जाता है अगर ईवीएम से अगर इलेक्शन चुनाव होता? अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे, नहीं। अगर मगर क्या है, अगर मगर की कोई, वो हम आपको बता देंगे समय पे, ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं भाई, आपको क्यों बताएं? बिल्कुल आदेश दे रहे हैं हम, बिल्कुल। अगर तुम ये समझते हो कि हम आदेश दे रहे हैं तो हम आदेश ही दे रहे हैं। क्यों हम क्यों दे रहे हैं आदेश? हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है, संविधान से ऊपर है, और मालिक आदेश देने की
ताकत रखता है, अधिकार रखता है। चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो तो आ नहीं रही रोड पर, आप तो चुनाव लड़ना। ये इतनी जल्दबाजी क्यों है, वो नहीं आ रहे रोड पर? वो जो कुछ नहीं बोलते थे अब वो बोलते हैं ना। कांग्रेस में जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह बोलने लगे ना, अब पहले तो नहीं बोलते थे। हाँ, मायावती जी ने भी बोला है कल परसों, आप बिल्कुल कल परसों, और इसके अलावा अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं, और भी बहुत लोग लगातार बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं, जब ये जन आंदोलन बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे, सब यही आएंगे। चलो, आपके खुलासे से क्या फर्क पड़ने वाला है 24 तारीख को जो आप करेंगे? किससे 24 तारीख को जो खुलासा करने वाले हैं? उसी दिन देखना ना क्या खुलासा करेंगे। आप रिकॉर्ड करने आओगे नहीं आओगे, उसका जो असर पड़ेगा वो आपकी कल्पना में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन, सरकार और कौन कौन शामिल है, सारे के सारे लोगों का चेहरा बेपर्दा हो जाएगा, सच लोगों के सामने आएगा। चिंता मत करो, अभी आने दो, धैर्य रखो, 24 तारीख आने दो, 6 दिन तो बाकी हैं। कायम है ईवीएम बैन होने में कितने साल होंगे? बस इस चुनाव में, ये जो चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। अब इसमें कितने साल है तुम काउंट कर लेना, गणित तो इतना समझती हो गए कि कितने दिन है, महीने हैं, साल है, फिर आप जवाब दोबारा पूछ रहे हो, औरों को पूछना तो सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने जो 50 ईवीएम मांगे, अगर वो मिल जाता है तो आपके पास उतना टिकट? वो काम खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा, वो चैप्टर समाप्त। अब इलेक्शन कमीशन अपनी दुकान लेके गली गली घूम रहा, आपकी मांग नहीं है अब, ये किसकी ईवीएम वाली अब मांग नहीं, बात खत्म हो गई। जब उसने देने से मना कर दिया, बात खत्म हो गई। कितना रेस्पॉन्स है मिस कॉल का? रेस्पॉन्स मैंने अभी आपको दिखाया, जो फोन है लगातार बज रहा है, तो रेस्पॉन्स कितना ओवरवेलमिंग है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।